बिहार से आने वाले नेता को बिहार से बाहर बड़ी जिम्मेवारी देने जा रही है कांग्रेस। जी हाँ, बात करते हैं हम कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार सीपीआई से चलकर जो कांग्रेस में आए, बिहार में जिनका कांग्रेस के गठबंधन के सहयोगी दल बड़ा विरोध करते हैं, खास तौर पर कथित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम इसमें बार बार लिया जाता है कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार से असहज महसूस करते हैं। इस वजह से बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। हालांकि कन्हैया कुमार सीपीआई से चलकर कांग्रेस में आए हैं। सीपीआई के टिकट पर वह 2019 का लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ चुके हैं। इसके बावजूद कभी भी कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस के लिए एक्टिव होते हुए नजर नहीं आए, या बिहार कांग्रेस के कभी किसी बड़े कार्यक्रम में कन्हैया कुमार को नहीं देखा गया। पिछले दिनों कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में कन्हैया कुमार को देखा गया था। तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जब उपचुनाव हुआ था और राजद से अलग होकर कांग्रेस लड़ रही थी, तब कन्हैया कुमार को देखा गया था। लेकिन उसके बाद कन्हैया कुमार शायद ही बिहार कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नजर आए। लेकिन अब कन्हैया कुमार पर कांग्रेस बड़ा प्रयोग करने जा रही है, बड़ा दांव चलने जा रही है। कन्हैया कुमार को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जी हाँ, ये कांग्रेस प्रयोग पहले कर चुकी है। शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद भी थी। बाद के दिनों में कांग्रेस उन्हें दिल्ली लेकर आई, उन्हें दिल्ली कांग्रेस की कमान दी गई और शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने 15 साल तक दिल्ली पर राज किया। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में बिहार और उत्तर प्रदेश के यानी कि हिंदी भोजपुरी भाषियों की बड़ी संख्या है। एक बड़ी तादाद है लोगों की जो दिल्ली में पूर्वांचली वोटर कहे जाते हैं और कांग्रेस कन्हैया कुमार के बहाने इनको साधना चाहती है। पूर्वांचली वोटरों पर कांग्रेस की निगाह है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी मनोज तिवारी को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बना चुकी है और उसका इन्हें फायदा भी मिला है। लेकिन विधानसभा चुनाव में मनोज तिवारी का प्रयोग नहीं चल पाया। लेकिन कांग्रेस ये प्रयोग करने जा रही है क्योंकि कन्हैया कुमार एक अच्छे वक्ता हैं। कन्हैया कुमार की युवाओं में खास अपील है, युवा उनको पसंद करते हैं और कन्हैया कुमार कांग्रेस के उन गिने चुने नेताओं में से एक है जिनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग चल कर आते हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में जहां कांग्रेस आज की तारीख में एक तरीके से नेतृत्व विहीन है, किसी अच्छे जनाधार वाले नेता की खोज कांग्रेस में चल रही है जो दिल्ली में कांग्रेस को लीड कर सके, जो दिल्ली में कांग्रेस का नेतृत्व कर सके, और कन्हैया कुमार के रूप में कांग्रेस की शायद खोज खत्म होती है और जल्द ही दिल्ली में वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि बात करें अगर बिहार की राजनीति की, तो बिहार में कांग्रेस किसी भी हाल में महागठबंधन को असहज या परेशान नहीं करना चाहती है। जबकि बिहार की राजनीति में जैसे ही कन्हैया कुमार का पदार्पण होता है, जैसे कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में थोड़े से भी सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं, तो मीडिया में ऐसी खबरें आती है कि कथित रूप से तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार से खुद को असहज महसूस करते हैं और कांग्रेस किसी भी हाल में यह संदेश नहीं देना चाहती और कांग्रेस कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती कि बिहार में महागठबंधन पर कोई परेशानी आए। और कन्हैया कुमार का भी प्रयोग कांग्रेस करना चाहती है क्योंकि कन्हैया कुमार की अपनी एक छवि है, अपनी एक अपील है। वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और कन्हैया कुमार के पास सांगठनिक कौशल भी है। और ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कन्हैया कुमार से खासे प्रभावित रहते हैं, बड़ी भूमिका देना चाहते हैं। और ऐसे में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर कन्हैया कुमार का बैठना लगभग तय माना जा रहा है। या एक उम्मीद और जताई जा रही है कि अगर कन्हैया कुमार दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका राज्याभिषेक कांग्रेस में हो सकता है, क्योंकि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन का कार्यकाल अब समाप्त होने को है। ऐसे ही तमाम वीडियोज, पॉलिटिकल अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।